Hey guys, welcome back in your YouTube channel, Nikku Family Vlogs में आज की वीडियो है न्यूज YouTube की काफी तगड़ी तगड़ी वाली न्यूज लेके आई हूँ। जल्दी जल्दी शुरू करती हूँ। सबसे पहले न्यूज है दीपिका कक्कड़ बहन के बारे में। आपको पता होगा 21 जून को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था जो कि प्रियो मेच्योर बेबी था। उसके बाद में उसे NICU में रखा गया। तो फाइनल न्यूज ये आई है कि बच्चा NICU से बाहर आ चुका है। इतना ही नहीं, बच्चे को घर भी ले जाया जा चुका है, यानी कि घर वो चला गया है अपने। अब लोग सोच लोगे ये कैसी न्यूज है, ये कैसी न्यूज दे रहे हो। नहीं, न्यूज ये नहीं है। न्यूज ये है कि उस पर भी दीपिका हो चुकी है ट्रोल। आपको पता होगा कि दीपिका को बहुत बार ये कहा गया है ये तो ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग करती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जब शोएब और दीपिका हॉस्पिटल से बाहर निकले बच्चे को लेकर, उस वक्त में जो मीडिया कर्मी बाहर खड़े हुए थे वो चिल्लाने लगे। बस कांग्रेचुलेशन पर दीपिका उन्हें बोलती है कि चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। तो इस पर लोगों ने जब ये वीडियो देखी तो रिएक्शन किया कि अगर तुम्हें चुप ही कराना था तो तुमने इन मीडिया वालों को बुलाया क्यों, अगेन यहाँ पर ओवर एक्टिंग दिखा रहे हो। कुछ लोग ये बोलते हुए नजर आए कि यहाँ पर भी ओवर एक्टिंग, इसके अलावा तुम करते क्या हो, हमें एक बार वो भी तो दिखा दो जो तुम करते हो। यानी कि दीपिका फिर से हो गई है ट्रोल। अरमान मलिक के बारे में आपको पता होगा, अरमान मलिक से रिलेटेड एक न्यूज हमने बताई थी आपको कुछ टाइम पहले कि अरमान मलिक ने अपनी जो बहन है सपना उनका चैनल ले लिया है, क्योंकि उनका चैनल अरमान मलिक के नाम से ही चल रहा था। जो उसमें आईडी पड़ी हुई थी वो भले ही सपना की हो, बट जो चैनल था उसमें अकाउंट उनकी वाइफ यानी कि कृतिका का था। तो उसके बाद में उनका अकाउंट जो है अरमान द्वारा छीन लिया गया, क्योंकि अरमान ने ही वो बना के दिया था। और उसके बाद उन्होंने सपना ने अपना एक नया अकाउंट बनाया और उस पर काम करने लगी। अब लोगों ने क्लेम ये किया है, बताया ये जा रहा है कि अरमान मलिक ने जो सपना का चैनल था, वो जो सपना पहले चैनल चला रही थी, उसका नाम चेंज करके उसे अपने बच्चों का नाम दे दिया है, यानी कि बच्चों के नाम से वो चैनल चलेगा। अब अरमान मलिक के पास काफी सारे चैनल है, ये कोई पहला मामला नहीं है जब अरमान मलिक ने किसका चैनल लिया है और उसका नाम चेंज कर दिया है। इससे पहले जब कुलदीप भैया का चैनल लिया था, यानी उनके बड़े भाई का उन्होंने चैनल लिया था, उसका भी नाम चेंज करके कृतिका पायल टॉक्स कर दिया गया था। तो ये कोई नया मामला नहीं है जो अरमान मलिक ने ऐसा किया है। बाकी अरमान मलिक के लिए बहुत सारे हेट फैल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताई जा रही है जिनके बारे में हम यहाँ पर अभी बातें नहीं करेंगे। उनके पहले बातें हो चुकी है और बाद में वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है बिग बॉस से रिलेटेड। बिग बॉस में फुकरे इंसान के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। पहले मैं बता चुकी थी कि फुकरे इंसान को बिग बॉस नहीं चाहता कि ये जीते और किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना चाहता है। पहले वीकेंड के बाद में चार जो अब तक के जो भी कैप्टन बने हैं उनको बुलाया गया। वहां पर जो जनता बैठी हुई थी यानी कि जो घर के कंटेस्टेंट थे उनसे पूछा गया कि इनमें से आप किसको नहीं देखना चाहते आगे कैप्टनसी में। तो वहां पर दो नाम आए जिया के लिए और बाकी जो तीन नाम थे वो आए फुकरे इंसान के लिए, यानी कि फुकरे इंसान से आगे कैप्टनसी का हक छीन लिया गया कि वो कभी कैप्टन नहीं बनेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है उनके, इसके अलावा प्रेरणा के बारे में बताते, प्रेरणा जो उनकी बहन है, फुकरे इंसान है अभिषेक की बहन है, उनको भी लोग काफी कुछ कह रहे हैं। दरअसल ये कुछ नेगेटिव नहीं है, जब से फुकरे इंसान बिग बॉस के अंदर गए हैं लोग उनको काफी ज्यादा सराह रहे हैं और प्रेरणा भी काफी ज्यादा ट्विटर इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, बार बार वो रिप्लाई दे रही है। इसी बीच में उन्होंने ट्वीट कर रहे हैं, तब वो जो भी ट्वीट कर रही है वहां पर लोग उनसे बोल रहे हैं कि दीदी अभिषेक के लिए कपड़े भिजवा दो, दीदी अभिषेक फुकरे इंसान के लिए कपड़े भिजवा दो, यानी कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कपड़े भिजवा दिए जाए। अब ये मांग क्यों हो रही है, क्योंकि कल का जो एपिसोड हुआ था उसमें अविनाश ने ये उंगली उठाई थी कि जो फुकरे इंसान है अभिषेक है वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। साथ में जो अभिषेक है वो भी बार बार बिग बॉस से और अपने घर वालों से कपड़े मांगते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।